हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से ऑपरेटर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है जारी किया गया, जिसमें जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं 5 अक्टूबर 2024 तक इसका अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ITI जिन कैंडिडेट के पास ITI नेशनल अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा डिग्री की क्वालिफिकेशन है रिलेवेंट डिसिप्लिन, वो कैंडिडेट ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। दोस्तों टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वीडियो अपलोड होते हैं नोटिफिकेशन के जरिए आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि एवियोनिक्स डिवीजन कोरबा अमेठी की ओर से जारी किया गया 18/9/2024 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर टेन्योर बेसिस ये रिक्रूटमेंट है निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट को 4 साल के लिए रखा जाएगा, जिसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। वैकेंसी है वो ऑपरेटर्स की निकाली गई है, जिनको नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में रखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अपने वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करते हैं, तो आप देख सकते हो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 11 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 5 वैकेंसी है, केमिकल की 1 वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे 18 वैकेंसी है वो निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख पाओगे। उसके बाद ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 है, इलेक्ट्रिकल की 4 है, टर्निंग की 2 है, फिटिंग की 2 है, वेल्डिंग की 1 है, एडमिन असिस्टेंट की 1 है, इसको स्केल 5 में अपॉइंट किया जाएगा। टोटल यहाँ पे 16 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। अब अनफिल्ड जो पोस्ट वैकेंसीज है उसकी बात करें तो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 44 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटिक की 1 है, ऑपरेटर लैब की 1 है, इसकी टोटल 2 वैकेंसी है, और ऑपरेटर वेल्डिंग की 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये टोटल 81 पदों के लिए वैकेंसीज हो गई है। स्केल यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल D6 और स्केल C5 में यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट वो किया जाएगा। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे कैंडिडेट के 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स स्केल C5 में कैंडिडेट के पास में 3 साल की नेशनल अप्रेंटिसशिप या ITI प्लस 1 साल की यहाँ पे अप्रेंटिसशिप होनी जरूरी है। ऑपरेटर मैकेनिकल की बात करें तो 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल स्ट्रीम में मांगा गया है। ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल में 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल में 3 साल की नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट या 2 साल की ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। ऑपरेटर केमिकल में 3 साल का डिप्लोमा। एडमिन असिस्टेंट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास में BA BCOM BSc BA BCA BSc की 10+2+3 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस में कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। ऑपरेटर फिटिंग की बात करें तो NAC या ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप मांगी गई। ऑपरेटर ट्रेनिंग में भी NAC प्लस ITI और ऑपरेटर वेल्डिंग में भी NAC प्लस ITI, ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में NAC प्लस ITI, ऑपरेटर लैब में BSc केमिस्ट्री की मांगी गई। यानी जो भी वैकेंसी C5 में निकाली गई उसमें या तो कैंडिडेट के पास में 2 साल की ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी जरूरी है, और जो क्वालिफिकेशन है वो NCVT की होनी जरूरी है, या कैंडिडेट है जिन्होंने 3 साल की अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। D6 में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी गई है। अब यहाँ पे टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट है वो 4 साल के लिए रखा जाएगा। रिम्यूनरेशन की बात करें तो जो स्केल C5 यानी जो ITI पास आउट है उनको 22,000 रुपये मिलेंगे, D6 वाले डिप्लोमा होल्डर्स को और डिग्री होल्डर्स को 23,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा DA HRA पर जो मेडिकल एक्सपेंसेस 15-1500 रुपये, अदर जो HAL के रूल्स के अकॉर्डिंग जो जो अलाउंसेज मिलते हैं वो सारे कैंडिडेट को यहाँ पे दिए जाएंगे। सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलेगी। इंक्रीमेंट भी यहाँ पे 3% पर ईयर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन वो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के आधार पे है वो किया जाएगा। अब जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व EWS OBC के लिए 60% और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 50% मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन से वो किया जाएगा। एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो यहाँ पे HAL की ऑफिशियल वेबसाइट HAL-India.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी यहाँ पे 200 रुपये, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है
वो रखी गई है, जो भी कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में पैट के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अभी सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करें उन कैंडिडेट को एनओसी का सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है। तो जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है सॉरी जो कैंडिडेट है जिनके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लागू है तो कैंडिडेट यहाँ से इनका सर्टिफिकेट है जो फॉर्मेट है वो यहाँ से डाउनलोड करके और अपना ऐसा फॉर्मेट बनवा सकते हैं। दोस्तों लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि वैकेंसी यहाँ पे कॉन्टेक्ट बेस से निकाली गई है लेकिन लंबे टाइम तक ये यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप इसका जो एक बार जो नोटिफिकेशन है वो जरूर रीड आउट कर ले। अब जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 2.5 घंटे का होगा, उसमें टोटल 3 पार्ट आएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के और जो 40 क्वेश्चन है इंग्लिश रीजनिंग के और जो 100 क्वेश्चन है वो आपके कंसर्न डिसिप्लिन से रिलेटेड है। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखी जाएगी। तो ये एग्जाम की जानकारी भी मैंने आप लोगों को बता दी। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।